श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में मूर्ति शब्द का प्रयोग करना इस देश के समस्त महिलाओं का अपमान है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति एनडीए की उम्मीदवार हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कल जिस तरीके से मूर्ति शब्द का प्रयोग किया उसके बाद ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तमाम एनडीए कुनवे के जो नेता हैं उनके तरफ से लगातार तेजस्वी यादव पर हमला किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पर हमला किया है और कहा है कि विधायक रहते हुए सर्वश्रेष्ठ विधायिका का जो है पुरस्कार उन्होंने जीता है। वहीं जब झारखंड की राज्यपाल रहीं तो उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। जब महिला द्रौपदी मुर्मू एक अनुसूचित जनजाति से आती हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया है और उसके लिए उनका ये शब्द कहना कहीं से उचित नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पर हमला करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा सुनें। तेजस्वी यादव जी के द्वारा सत्ता पक्ष के राष्ट्रपति की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में मूर्ति शब्द का प्रयोग करना इस देश के समस्त महिलाओं का अपमान है। एक आदिवासी महिला जो गांव से उठकर विधायक बनी हो और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीता हो, जिसका राज्यपाल का कार्यकाल इतना निर्विवादित रहा हो कि हेमंत सोरेन को भी उन्हें वोट करना पड़ रहा हो, अगर वैसे एक गांव की महिला राष्ट्रपति बनती है तो परिवारवाद वाले सभी लोगों को यह बहुत कचोटता है। तेजस्वी यादव जी को अपना बचपन याद आ गया होगा कि किस तरह बिहार के सभी तथाकथित समाजवादी नेता ने एक घरेलू महिला को अपना मुख्यमंत्री मानकर उसकी गुलामी का काम किया और इसलिए वह देश की सभी महिलाओं को वही महिला मुख्यमंत्री के रूप में ही पहचान कर पाते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है उसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह हर उस पिछड़ी महिला, हर अनुसूचित जाति जनजाति की महिला का अपमान है जिसने अपने मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तेजस्वी यादव जी की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। तो आपने सुना कि किस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव को माफी मांगने के लिए कहा है और सीधे तौर पर कहा है कि ये महिला का अपमान है और वैसे समाज से आती हैं और एनडीए की उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है, उनके लिए इस तरह का शब्द कहना कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।